नमस्कार दोस्तों, मैं रिद्धि रियल किचन में फिर से आपका स्वागत करती हूं। आइए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे पुदीने और धनिये से बनी हरी चटनी कैसे बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं हमें हरी चटनी में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। हरी मिर्च और अदरक, 3 कटे हुए नींबू का रस, 1 कटोरी धनिया, पुदीने के पत्ते, आधी चम्मच नमक। सबसे पहले हम धनिया के पत्ते जार के अंदर डाल देते हैं, पुदीने के पत्ते भी डाल देते हैं, मिर्च और अदरक भी जार के अंदर डाल देते हैं और थोड़ा सा पानी जार के अंदर डाल देते हैं और अब इसे ग्राइंड करते हैं। अब इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक भी डाल देते हैं। काफ़ी गाढ़ी चटनी बन चुकी है हमारी, इसलिए देखिएगा हमारी चटनी तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। अब हमने अपनी चटनी को सर्व कर दिया है। देखिएगा हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। आप इस चटनी को समोसों के साथ भी खा सकते हैं, पकौड़ों के साथ भी खा सकते हैं और ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं। बाजार की चटनियों में बहुत सी मिलावट होती है, इसलिए आप अगर घर पर इसे बनाकर खाओगे तो आपको बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्वादिष्ट चटनी लगेगी। बाजार की चटनी से ये बहुत ही अच्छी बनी हुई है, आप ट्राई जरूर कीजिएगा। आप अपना अनुभव हमें जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।